हाय गाइस दिस इज सुदीप फ्रॉम ट्यूनक्राफ्ट। तो आज का वीडियो होने वाला है कि कौन सा स्ट्रिंग्स यूज़ करें आपके गिटार के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप लोग भी गिटारिस्ट हो, आप लोग सही जगह पर आए हो। जल्दी से सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ चॉइसेस आप लोगों के लिए, आपके गिटार के लिए जो अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को जब भी स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी ज़रूरत पड़ता है आजकल, तो कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ अमेज़ॉन। हम लोग अमेज़ॉन पर चले जाते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी हो गया। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जाकर लिख देते हैं स्ट्रिंग्स फॉर आवर गिटार। तो अमेज़ॉन हम लोग को क्या करता है, लॉट्स ऑफ ऑप्शन दे देता है, और जो सस्ता रहता है या जो कंपनी अमेज़ॉन को ज़्यादा पे करती है वो दिखा देता है अमेज़ॉन। तो यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं आके कि क्या करें भैया, अभी करें तो क्या। अभी सामने हम लोग के पास आएगा एक 800 रुपये का स्ट्रिंग, उसी के सामने आप लोगों को दिखेगा 200 रुपये का स्ट्रिंग। तो एक नॉर्मल जो गिटारिस्ट होता है या कोई भी एक नॉर्मल बिगिनर होता है तो हमेशा वो 200 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इतना क्यों स्पेंड करना भाई, हम लोगों को क्या ज़रूरत है इतना स्पेंड करने का। अब टोनी तो आना है, निकलना ही है, वही तार बजाना है, टिंग टिंग करके बस हो गया। तो लेकिन नहीं, यहाँ पर ये केस नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को महंगे के ऊपर ही जाना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों की स्ट्रिंग कैसे चूज़ करना है आप लोगों के आपके गिटार के लिए। तो अभी आप लोग ने ख़रीद लिया है एक, मैं बोलना चाहता हूँ डेढ़ हज़ार का गिटार अमेज़ॉन से अगेन, या 2000 का गिटार अमेज़ॉन से, 2500 का गिटार अमेज़ॉन से, तो वो तो पहली बात तो लिस्ट में ही नहीं आता है। तो आप लोग अगर वैसे गिटार यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कोई भी स्ट्रिंग्स लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं होता उसमें। अगर लेकिन आप लोगों के पास एक अच्छी गिटार है, एक 5-6 के तक, एक GBN-A हो गया, जो जो कंपनीज़ है, आप लोगों के पास यामा का गिटार हो गया, वो भी 4-5-7 हज़ार में आ जाता है, या कॉर्ड गिटार हो गया, या जो भी फेंडर गिटार हो गया, आजकल चाइना में बहुत सारे अच्छे अच्छे गिटार्स आ रहे हैं। तो ये सब अगर गिटार है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को है ना स्ट्रिंग चूज़ करने में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चूज़ करें, जो चीज़ हम लोग पहले ही कर सकते हैं, दैट इज़ आप जब गिटार खरीदते हो या आपका कोई भी गिटार का ब्रांड हो, उसके साइट पर चले जाइए, जो एक्चुअल साइट है उसके साइट पर चले जाइए, नॉट अमेज़ॉन, उसके साइट पर चले जाइए, उसके स्पेसिफिकेशंस में देखिए कि कौन सा स्ट्रिंग्स यूज़ हुआ है। अगर उसमें 12 गेज यूज़ हुआ है तो आपको 12 गेज यूज़ करना है। आप लोगों को अगर उसमें 9 गेज यूज़ किया है, या 10 गेज यूज़ किया है, या 11 गेज यूज़ किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली गेज चूज़ करें। अब गेज जो हम लोग ने देख लिया, अब गेज के बाद आ जाता है कि हम लोग के पास कौन सा ब्रांड के ऊपर जाए। अब ब्रांड्स बहुत सारे रहते हैं, जैसे आप देखोगे झनकार हो गया, पता नहीं कौन सा ब्रांड्स आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप लोग जैसे ही अमेज़ॉन पर टाइप करोगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन वही रहता है कि हम लोग घर बैठे अगर मंगाना है तो अमेज़ॉन से मंगाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिपकार्ट, या और एक साइट है दैट इज़ bajao.com, तो और एक है दैट इज़ राज म्यूज़िकल्स, लेकिन वहाँ से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वही हमेशा जैसा अमेज़ॉन। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ अमेज़ॉन का खुद का एक कुरियर सर्विस भी है जो आपको फटाफट डिलीवर कर सकती है, तो इसके लिए अमेज़ॉन के ऊपर लाइक कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अब हम लोग चूज़ कैसे करें या कौन सा ब्रांड चूज़ करें। अगर आप लोगों का गिटार एक 12 गेज सपोर्ट करता है तो आप लोगों को सिंपली टाइप करना है कि 12 गेज के स्ट्रिंग्स बताओ। अब 12 गेज के स्ट्रिंग्स आप लोग देख पाओगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, डडारियो का आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा यामा का स्ट्रिंग्स आ जाएगा, उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग्स आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो लेकिन आपको कौन सा चूज़ करना है, ये सबसे मेन बात है। अब पूरा गिटार इंडस्ट्री जो है, पूरा गिटार इंडस्ट्री एक ही स्ट्रिंग कंपनी के ऊपर टिका हुआ है देखा जाए तो। वैसे तो बहुत सारे जन बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन देखा जाए तो 90% ऑफ द टाइम हम लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है डडारियो के स्ट्रिंग्स सबसे बेस्ट होते हैं। आप लोगों को किसी भी एंगल से कोई भी आपको ख़राब नहीं बोल पाएगा ये स्ट्रिंग के बारे में, ये पूरा इंटरनेट हो गया या कहीं भी आप लोग जाओ, इसके बारे में आप लोगों को कोई ख़राब नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इतना है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। आप लोग अगर एक गिटारिस्ट हो तो उतना तो आप लोगों को खर्च करना ही चाहिए, एक 500 रुपीज़ तो आप लोगों को खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 200 रुपये 300 रुपये मिल जाएगा। डडारियो के स्ट्रिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, डडारियो के स्ट्रिंग्स को मिल जाएंगे 400-350 ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सेल में मिल जाएंगे। लेकिन वो आप लोगों को लेना चाहिए 100%, आपको आँख बंद करके ले लेना चाहिए। और एक ऑप्शन है, जो ब्रांड का आपका गिटार है वो ब्रांड का अगर आप लोग लोगे तो वेल एंड गुड, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आइबनेज़ का आपका गिटार है तो आइबनेज़ के स्ट्रिंग्स लगा लो, बेस्ट है, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइबनेज़ का गिटार है आप लोग फिर भी लगाओगे डडारियो, या फिर ये कंपनी का गिटार है आप लोग फिर, लेकिन अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप लोग श्योरली जा सकते हो उसके ऊपर।
और एक आ जाता है जैसे फेंडर हो गया, फेंडर गिटार स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो उसके ऊपर जा सकते हो। लेकिन जैसे अभी कॉर्ड हो गया, कॉर्ड स्ट्रिंग्स नहीं बनाता है, तो कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड लगाता है ददारियों के स्ट्रिंग्स, तो ये आप यूज़ करो, ना कि आप फेंडर या आइबनीज़ के स्ट्रिंग्स पे लगा दोगे। तो गिटार के हिसाब से स्ट्रिंग्स बन के आते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हो। तो यहाँ ये हो गया हम लोगों का कौन सा ब्रांड भी लगाना चाहिए। अब आ जाता है कि उसमें भी अभी फैक्टर आ जाते हैं, उसमें मॉडल नंबर आ जाते हैं बहुत सारे। जैसे ददारियों के आप लोग देखोगे तो उसमें मॉडल नंबर है बहुत सारे, ईजी है, ईजे है, और भी प्रीमियम उसके क्वालिटीज़ है। तो लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो ईजी के ऊपर आप लोग एनी टाइम जा सकते हो। ईजी एक अच्छा ब्रांड है, ईजी 902, ईजी 900, ये सब बहुत अच्छा है। एंड उसके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा और खर्च करना है, थोड़ा और मे बी बेटर साउंड क्वालिटी आप लोग निकालना चाहते हो, तो आप लोग ईजे के ऊपर चले जाओ। ईजे इज़ ए प्रीमियम ब्रांड, बहुत अच्छा है ब्रांड। इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ ये मॉडल नंबर है, ददारियो ही है, ददारियो का मॉडल नंबर है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस स्ट्रिंग्स आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ आ जाता है कि अगर समझिए आपका गिटार सपोर्ट करता है 12 गेज या 9 गेज या 10 गेज और आप लोग लगाओगे डायरेक्ट 13 गेज या 14 गेज तो आप लोगों का गिटार स्पॉयल होने वाला है फॉर श्योर। तो उस चीज़ से बचे, सही गेज लगाए। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से पहले देख लें कि कौन सा आप लोगों को स्ट्रिंग्स सूटेबल है, आप लोग कौन से स्ट्रिंग्स बजाना चाहते हैं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे अभी नॉर्मल गिटार हो गया, जैसे अभी कोई भी हो गया, मेरे पास ये है अभी फ़िलहाल, जैसे आप देख पा रहे हो ये GBN-A का है, ये थोड़ा साफ़ नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये GBN-A का है, आर्टिमिस करके इसका मॉडल नंबर है। तो ये सपोर्ट करता है लास्ट टू लास्ट 12 गेज की स्ट्रिंग्स। ये सब है ना फिक्स ब्रिज गिटार है, सी यहाँ पर है ना फिक्स ब्रिज गिटार है, ये सब यहाँ पर आई विल शो यू। ये जो है इसको बोलते हैं फिक्स ब्रिज, तो ये है ना कभी कभी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ऊपर आ जाता है, और ये अगर हो गया तो आप लोगों का खाली फोर्ड का बहुत खर्चा आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और लीड करेगा कहीं भी नहीं, आपको डायरेक्ट ठीक कराना पड़ेगा जो बहुत खर्चा आएगा, या तो फिर आप लोग नया रिप्लेस कर लो। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि आप लोग एक गेज कम ले लो, अगर इसने 12 बोला है तो आप लोग 11 गेज का ले लो, साउंड वैसे ही करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी आपको बजाने में भी आसानी होगी। और एक आ जाता है जो मेरे पास ये गिटार है यहाँ पर, इधर गया सॉरी, ये रहा मिरर इफेक्ट में समझता नहीं है, ये हो गया कॉर्ड का अर्थ ग्रैंड। इसका कंपनी भी यही बोलता है कि 12 गेज का स्ट्रिंग्स लगाओ, ये डायरेक्ट एक्सल लगाने बोलते हैं जो है ददारियों के आगे, तो वो स्ट्रिंग्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं, लाइक 1200-1300 के आसपास, तो ये 6 स्ट्रिंग्स हो जाते हैं। अगर आप लोग एक प्रॉपर गिटारिस्ट हो या कुछ हो तो आप लोगों को उसका मतलब अहमियत पता चलेगा कि हाँ भैया हम लोग को लगा लेना चाहिए 1200-1300 का। लेकिन हाँ ऐसे जो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं उन लोग इतना खर्चा नहीं करना चाहते, कम सी सिंपल सी बात है कि कौन खर्चा करना चाहेगा कि अचानक में अगर 1200-1300 रुपये का स्ट्रिंग्स अगर आप लोगों ने एक वीक में तोड़ दिया तो अगेन पूरा का पूरा सेट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिर मैच नहीं होगा। आप लोग अगर एक स्ट्रिंग लगा लोगे बाहर से, वैसे बाहर से बहुत सारे दुकानें होती हैं जहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रिंग मिल जाएगा, दो स्ट्रिंग मिल जाएगा 70-80 रुपये का, लेकिन वो नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वो हो जाता है। और ये हो गया 12 स्ट्रिंग का गिटार, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये 12 स्ट्रिंग हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, ये सब बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है कि एकॉस्टिक गिटार के ऊपर। तो बस आई होप मैंने ये आपको सॉल्व कर दिया कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सिंपल भाषा में मैंने बताया। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों में घुस सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आँख बंद करके जाओ, ददारियों के स्ट्रिंग्स सर्च करो एंड उसको ले लो, जो भी आपका गेज है वो सर्च करो, उसका एक ड्रॉप करके ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप गाइस आप लोगों का मैंने जो भी क्वेरीज था ये मैंने सॉल्व किया, और अगर वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और मैं डेली अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स, तो अगर आप लोगों को मेरे कवर्स चेक करने हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाए और चेक करें और वीडियो को लाइक करें। Thank you.